अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। लंबा रूट भी ना थका देता है आदमी को। लड़कों की हालत बहुत बिगड़ गई है, गाड़ी की कंडीशन खराब हो गई है, आदमी का जोर जोर हिल जाता है। क्या बात है, तेरा मूड क्यों खराब हो रहा है? जब भी बाहर से आते हो ना, बस अपनी थकन की बातें लेके बैठ जाते हो। मेरे लिए तो तुम्हारे पास अपनी थकन और बेजारी रह गई है। कैसी बातें कर रही है, मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ तेरा ही तो है। बस बस रहने दो, इतना बेवकूफ समझ रखा है। जब भी तुमसे पैसे मांगती हूँ ना, एक ही जवाब मिलता है, बस आजकल हाथ तंग है, थोड़ा सब्र कर लो। हाँ तो सच भी यही है। अच्छा, सच ये है मेरे लिए तुम्हारा हाथ तंग है और बेटी को देने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। क्या हुआ, हो गई ना बोलती बंद, पकड़ी गई ना चोरी तुम्हारी? कैसी चोरी, अफसोस हुआ तेरी इस बात पे। अब मुझे ये बता, तुझे ये बात किसने बताई? मुझे बस पैसे चाहिए। जो कुछ कमाता हूँ तेरे हाथ में तो रखता हूँ। अरे मुझे क्या पता उसमें कितनी डंडी मारते हो। मैं तो कहती हूँ अगर बच्चों से इतनी मोहब्बत थी तो क्या जरूरत थी मुझे इस घर में लाने की। आवाज नीची रख, फजूल में शोर क्यों डाल रही है? अरे क्यों आवाज नीचे रखूं, ताकि तुम्हारे जुल्म पे पर्दा डालती रहूं, घुट घुट के इस घर में जीती रहूं, पर्दा डला रहा तुम्हारी बातों पे। मैं नहीं ऐसी वैसी औरत जो तुम्हारी बातें बर्दाश्त करती रहूं, जुल्म बर्दाश्त करती रहूं। मुझे अपना हक चाहिए, पैसे चाहिए। मुझे ऐसी वैसी औरत ना समझना, मैं कोई आम औरत नहीं हूं शौकत। जब पैसे मांगो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, बस मेरी बात याद रखना, कभी फरदौस को हल्का ना लेना।